أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। तकबीर टीवी के मौलवी मोहम्मद दीन सयालवी साहब ने वफात मसीह से मुतालिक 10 सवालात अहमदी मुसलमानों के सामने पेश कर रखे हैं। मौसूफ बार बार बड़े कर्रफर से ऐलान करते हैं कि कोई अहमदी इन सवालात के जवाबात नहीं दे सकता। मौलवी साहब की ये सवालात दजलो फरेब और मुलम्माकारी का शाहकार हैं, लिहाजा इनके जवाबात वजाहत तलब हैं। मगर जब भी कोई कॉलर लाइव प्रोग्राम में इनमें से किसी सवाल का जवाब देने लगता है तो मौलवी साहब ना सिर्फ इसे बार बार टोकते हैं, बल्कि जैसे ही ये महसूस करते हैं कि ये कॉलर तो उनके दजल का पर्दा चाक करने जा रहा है तो मौसूफ बड़ी चालाकी से उसकी कॉल काटकर नाजरीन को यह तासर देते हैं कि वो जवाब नहीं दे पाया और भाग गया। मौलवी साहब को शायद ये इल्म नहीं कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और ये कि यूट्यूब उनके इस दजलो फरेब पर ज्यादा देर पर्दा नहीं पड़ा रहने देगा, बल्कि जल्द ही ना सिर्फ उनके इस दजलो फरेब का पर्दा चाक कर देगा बल्कि मौसूफ के खोखलेपन को भी दुनिया पर आश्कार कर देगा। आइए नाजरीन मौलवी साहब का पहला सवाल खुद उनके अल्फाज में सुनते हैं। पहला सवाल जो मैंने किया था फिर उसको दोहरा रहा हूं, रूहानी खजान जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 593 पर यही बात मिर्जा साहब लिखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर तशरीफ ले गए और वो दोबारा नाजिल होंगे। पहले 50 साल तक उनका यही अकीदा रहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, आसमान पर मौजूद हैं, उनको आसमान पर उठा लिया गया था, दोबारा तशरीफ लाएंगे। लेकिन 1889 में या 1890 में उन्होंने यकदम वो यू टर्न लिया। तो फिर क्या लिखा, रूहानी खजान जिल्द नंबर 22 सफा नंबर 660 पे लिखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा मानना ये सरी शिर्क है। अब मैंने जो सवाल उठाया था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा मानना अगर शिर्क है तो कादियानी इस बात का इकरार करें यहां आकर ऑनलाइन ऑन एयर के मिर्जा साहब पहले शिर्क करते रहे थे। अव्वल तो ये बात मलहूज़ खातिर रहे कि रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 660 में हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने हयात ईसा अलैहिस्सलाम के अकीदे को शिर्क अजीम यानी बहुत बड़ा शिर्क लिखा है, ना कि सरीह शिर्क। जैसा कि नाजरीन असल इबारत बमय तर्जुमा में भी देख सकते हैं। मौलवी हजरात जब तक झूठ की निजासत पर मुंह ना मारे उन्हें मजा नहीं आता। दरअसल ये हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम पर कोई एतराज कर ही नहीं सकते जब तक झूठ और फरेबकारी का सहारा ना लें। दूसरी और निहायत अहम बात यह है कि जहां हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने हयात ईसा अलैहिस्सलाम के अकीदे को शिर्क करार दिया, वहीं आपने एक बार नहीं बल्कि बार बार ये वजाहत भी फरमाई कि ये अकीदा मब्दा और मुंजर अल शिर्क होने की वजह से शिर्क है, ना कि अपनी जात में शिर्क। यानी ये एक ऐसा अकीदा है जो शिर्क की तरफ ले जाने वाला है, ना कि फी जात ही शिर्क। चुनाचे आप फरमाते हैं, इस बात से कभी धोखा नहीं खाना चाहिए जो लोग कह देते हैं कि क्या अल्लाह ताला इस बात पर कादिर नहीं कि मसीह को जिंदा आसमान पर उठा ले जावे। बेशक वो कादिर है, मगर वो ऐसी बातों को कभी रवा नहीं रखता जो मबदा शिर्क होकर किसी को शरीकुल बारी ठहराती हों। और साफ जाहिर है कि एक शख्स को बाज वजूह की खसूसियत देना मबदा शिर्क है। फिर इसी मजमून को एक और जगह वाजह करते हुए आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हालांकि नज़ीर का पेश करना दो वजह से जरूरी था, एक इस गर्ज से कि ता हजरत ईसा का जिंदा आसमान की तरफ उठाए जाना उनकी एक खसूसियत ठहर कर मुंजर अल शिर्क ना हो जाए। यहां भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने हयात ईसा के अकीदे को मुंजर अल शिर्क यानी शिर्क की तरफ ले जाने वाला करार दिया है, यानी एक ऐसा मबदा या ऐसा आगाज जो कि शिर्क पर मुंतज होने का सबब बन रहा है।
जहां तक मौलवी साहब के पेश करदा रूहानी खजाइन के उस हवाले का ताल्लुक है कि जहां आप अलैहिस्सलाम ने हयात ईसा के अकीदे को शिर्क करार दिया, तो वो इल्म और अदब में राइज उस तरीके के ऐन मुताबिक है कि जहां मबदा यानी आगाज को नतीजे का नाम दे दिया जाता है। मबदा को नतीजे का ये नाम दिया जाना या दूसरे लफ्जों में आगाज को अंजाम का नाम देना इल्म और अदब में जाना पहचाना तरीक है। मगर सियालवी साहब को इल्म और अदब से क्या मस? इल्म और अदब से सियालवी साहब का आरीपन तो एक दोस्त की वो वीडियो साबित कर चुकी है कि जो मौसूफ की हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की अरबी और उर्दू गलतियों की निशानदेही के जवाब में बनाई गई है। बहरहाल मौलवी साहब ने बगदादी कायदे के अलावा कुरान करीम का वो तर्जमा तो पढ़ा होगा जो कि बरेलवी उम्मत के बानी अहमद रजा बरेलवी साहब ने किया है। इस तर्जमे कुरान में सूरह यूसुफ की आयत नंबर 36 के तर्जमे में लिखा है कि इसके साथ कैद खाने में दो नौजवान दाखिल हुए। इनमें से एक बोला, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं शराब नचोड़ता हूं। मौलवी साहब, क्या शराब नचोड़ी जाती है या अंगूर नचोड़े जाते हैं? क्या कुरान पाक में इस मुकाम पर मबदा यानी अंगूर नचोड़ने को नतीजा यानी शराब नचोड़ना नहीं कहा गया? क्या यहां भी आप अपने उस जाहिलाना असूल के मुताबिक झूठ की तोहमत लगाएंगे कि जिस असूल के तहत आप हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम पर झूठ की तोहमतें लगाते हैं? आप जैसे जाहिल से तो कोई उम्मीद नहीं कि आप यहां भी आए बाएं शाएं शुरू कर दें और कहें कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में शराब ही बराह रास्त नचोड़ी जाती थी, ना कि अंगूर। तो अर्ज है कि जरा आपने इस तर्जमा कुरान की तफसीर पर भी नजर डाल लें कि जहां लिखा है कि दरअसल कैदी ने अंगूर के तीन रसीदा खोशे नचोड़े थे, ना कि शराब। बस साबित हुआ कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने हकीकतुल वही में हयात मसीह के अकीदे को इसी मजाजी रंग में शिर्क फरमाया है कि जैसे कुरान करीम ने सूरह यूसुफ की मस्कूरा आयत में मबदा को नतीजे का नाम दिया है। और ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि ये बात हमने हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की कुतुब के हवालों से साबित की है कि आप हयात ईसा अलैहिस्सलाम को दरअसल मबदा शिर्क ही करार देते थे, ना के इजाते ही शिर्क। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का हयात ईसा अलैहिस्सलाम के अकीदे को मबदा शिर्क करार देना एक ऐसी ठोस हकीकत है कि जिसका इनकार मुमकिन नहीं। ये वही जमाना था कि जब यही हयात ईसा का अकीदा लाखों मुसलमानों के ईसाइयत में दाखिल होने का सबब बन रहा था। ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसका जमात अहमदिया के मुखालफीन भी इकरार किए बगैर ना रह सके। चुनांचे हकीमुल उम्मत कहलाने वाले मौलाना अशरफ अली थानवी के तर्जुमा कुरान के दीबाचे में लिखा है कि ये हयात मसीह का ही अकीदा था कि जिसकी बिना पर पादरी हजरात तमाम हिंदुस्तान को ईसाई बनाने के ख्वाब देखने लगे थे, क्योंकि इनका ये हरबा कामयाब हो रहा था। नीज ये कि ये सिर्फ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ही थे कि जिन्होंने इन पादरियों को हिंदुस्तान से लेकर वलायत तक शिकस्त दी। नाजरीन, ये वो दौर था कि हयात मसीह का अकीदा आम लोगों को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े मौलवियों को भी ईसाइयत के शिर्क में धकेल रहा था। यहां तक के मौलवी इमादुद्दीन, मौलवी रजब अली, मौलवी हमीदुद्दीन, मौलवी हिसामुद्दीन, मौलवी सफदर अली और मौलवी अब्दुल्ला आथम ना सिर्फ ईसाई हो गए बल्कि पादरी बन गए थे। अब जबकि मौलवी सियालवी साहब के सवाल नंबर एक की बुनियाद ही पाश पाश हो चुकी है, तो इस बात की जरूरत नहीं रहती कि इस सवाल से मुतालिक उनके जिमनी सवाल का भी जवाब दिया जाए। मगर हम अब मुख्तसरन उसकी हकीकत भी अवाम पर वाज़ह कर देते हैं ताकि सियालवी साहब के दिल में यह हसरत ना रहे कि मेरे जिमनी सवाल का जवाब नहीं दिया गया।
दयालवी साहब का वो जिमनी सवाल ये है। और फिर बात सिर्फ यहाँ तक नहीं ठहरती कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी शेर करता रहा, बल्कि 1300 साल तक पूरी उम्मत शिर्क पर जमी रही, बल्कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात जाकर यूं समझे कि उन पर ये जालिम शिर्क का फतवा लगा रहे हैं। मौलवी साहब, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम तो हयात मसीह के कायल थे ही नहीं, ऐसी कोई सही हदीस या सहाबाए कराम का मुस्तनद कौल मिलता ही नहीं कि जिसमें ये बसराहत मजकूर हो कि ईसा अलैहिस्सलाम जिस्म समेत आसमान पर उठा लिए गए और ये कि वो बजिस्म अंसरी आज तक जिंदा मौजूद हैं। क्या आप ऐसी एक भी सही हदीस दिखा सकते हैं कि जिसमें बतसरी ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा जिस्म समेत आसमान पर उठाए जाने का जिक्र हो? लिहाजा आपके सवाल के इस हिस्से की हैसियत बिल्कुल ऐसी ही है कि जैसे एक शायर ने कहा है कि अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सदियों को खैरुल कुरून फरमाया था। यह इस बात की तरफ इशारा था कि आमाल और अकायद में बिगाड़ इन 3 सदियों के बाद पैदा होगा। वाकयात भी यही साबित करते हैं कि हयात मसीह का अकीदा आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 300 साल बाद ही मंजरे आम पर आई। इसकी तरफ इशारा करते हुए हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन लोगों के ख्यालात की क्या हैसियत जो सहाबा के बाद जाहिर हुए बल्कि 3 सदियों बाद। अब आखिर में हम सयालवी साहब के सवाल के इस हिस्से को लेते हैं कि जिसमें मौसूफ फरमाते हैं कि अगर हयात मसीह का अकीदा शिर्क है तो क्या तमाम उम्मत और उसके अकाबरीन शिर्क में मुब्तला रहे? पहली बात तो ये है कि ये दावा ही बेबुनियाद है कि गोया तमाम उम्मत और उसके तमाम अकाबरीन हर जमाने में हयात मसीह के कायल रहे हैं। सयालवी साहब, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि इमाम मालिक, इमाम इबन हजम, इमाम शलतूत, उबैदुल्ला सिंधी, सर सैयद अहमद ख़ान और बहुत से दूसरे अकाबरीन वफात मसीह के कायल थे। आज भी आपसे लाखों गुना ज्यादा मकबूल मौलवी यानी जावेद अहमद गामदी और डॉक्टर खालिद जहीर साहब वफात मसीह के कायल हैं। दूसरी बात यह है कि उम्मत के जो अकाबरीन जितना अरसा भी हयात मसीह के कायल रहे वो दरअसल महज इज्तिहादी गलती के मुर्तकब हुए, और सयालवी साहब खुद जानते हैं कि सेहत नीयत के साथ सरजर्द होने वाली इज्तिहादी गलती अहदीस के मुताबिक कतान कोई गुनाह नहीं। मौलवी साहब ये बात इसलिए बखूबी जानते होंगे क्योंकि ये बात उनके आला हजरत के कुरान पाक के तर्जुमा यानी कंजुल ईमान में भी लिखी है। ये एक हकीकत है कि उम्मत के कई अकाबरीन को हयात मसीह की इज्तिहादी गलती नजूल ईसा की अहादीस की बिना पर लगी, जैसा कि आलमी मजलिस तहफ्फुज़ ख़त्म नबूवत के मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहब इसी हकीकत का इकरार करते हुए अपनी किताब नजूल ईसा अलैहिस्सलाम के सफ़ा नंबर 20 पर लिखते हैं कि जो लोग हयात के कायल हैं वो उनके नजूल ही की खातिर कायल हैं। चूंकि नजूल ईसा से मुतालिक अहादीस मुस्तकबिल की पेशगोइयों पर मुश्तमल थीं और पेशगोइयां मुतशाबहात के ज़ुमरे में आती हैं, इसलिए ऐसे अमूर में इज्तिहादी गलती के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता, खुसूसन ऐसी सूरत में कि जब ये बता दिया गया हो कि ऐसे अमूर में खुद अंबियाए कराम भी इज्तिहादी गलती के मुर्तकिब हो सकते हैं। जैसा कि सही अहादीस में आता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रोया सादका के ज़रिए खजूरों वाली बस्ती की तरफ हिजरत की खबर दी गई
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवलन समझा कि यमामा की तरफ हिजरत का हुक्म है, मगर बाद में ये खुला कि ये तो मदीना की तरफ हिजरत का इशारा था। कहते हैं कि खाली बर्तन बहुत शोर करता है, ये सियालवी साहब का खोखलापन है जो आजकल बड़े शोर की सूरत में सामने आ रहा है। ऐसा शोर कि जो नतीजतन दुनिया को खुद उनकी जहालत पर मुतला करने का सबब बन रहा है।